तो हेलो फ्रेंड्स आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस एम आई आई पर और इस चैनल में हम आपको डिटेल एनालिसिस करके स्टॉक्स में निवेश की राय देते हैं दोस्तों आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि लॉस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी के स्टॉक की क्योंकि बहुत ही बड़ी रैली के बाद अब ये जो स्टॉक है ये बीरस पेड़ में दिख रहा है और इसमें गिरावट हो रही है आज भी वन की गिरावट के साथ ये स्टॉक हंड्रेड की प्राइस पर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है तो आइए इस इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं सपोर्ट लेवल टेक्निकल चार्ट का स्टडी कर लेते हैं एंड तक जरूर हमारे वीडियो को ध्यान से सुने दोस्तों नए आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें बेल बेललाइकिन का बटन जरूर प्रेस कर लें इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें और आगे शेयर करना मत भूलें सो दोस्तों यहां पे देखो इसके चार्ट में लास्ट वन ईयर में बहुत ही बड़ी रैली हो चुकी है एक साल पहले ये जो स्टॉक है आप नियरली देख सकते हो मोटा मोटा इसकी जो प्राइस थी ट्वेंटी सिक्स के अराउंड थी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स थी लेकिन आज ये जो स्टॉक है हंड्रेड से भी ऊपर क्रॉस कर गया है फोर से फोर टाइम से ज़्यादा ग्रोथ इस स्टॉक में लास्ट वन ईयर में देखने को मिली हुई है अब यदि इसका पैटर्न देखो पहले इस स्टॉक में क्या हो रहा है बहुत ही बड़ी आजकल ब्रेकआउट देखने को मिली हुई थी और कंटिन्यूसली ये स्टॉक रैली करता जा रहा था लेकिन एक रजिस्टेंस लेवल है हंड्रेड का लेवल इसका एक बड़ा रजिस्टेंस लेवल है जिसको ये स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाया है उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है और इसमें गिरावट जो है वो शुरू हो गई है हंड्रेड तक गया ये स्टॉक हंड्रेड तक गया और साथ ही इसमें गिरावट शुरू हो गई अब देखो इसका जो लोअर सपोर्ट लेवल है पहला जो सपोर्ट लेवल है वो हंड्रेड के राउंड जो है वो आपको बनता दिखाई दे रहा है क्योंकि दोस्तों पहले आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है ये एक रेंज बाउंड काम करता दिखाई दे रहा था यहाँ पे देखो इसका ये कंसोलिडेशन रेंज था लॉन्ग टर्म के लिए इसने इसी कंसोलिडेशन रेंज में जो है वो कंसोलिडेट uh, किया है कभी इसमें रैली होती थी कभी गिरावट होती थी तो रेंज बाउंड काम इस स्टॉक में होता दिखाई दे रहा था लेकिन फिर इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट पैटर्न देखने को मिला इसने जैसे ही हंड्रेड का लेवल ब्रेक किया बहुत ही बड़ा अप ट्रेंड इस स्टॉक में देखने को मिला लेकिन दोस्तों पहले भी हमने आपको बताया है जब कोई स्टॉक बहुत ही शॉर्ट टर्म में तेजी से भाग जाता है तो उसमें गिरावट तो होती ही है तो अब ये जो स्टॉक है ये गिरावट के मोड में दिख रहा है पहला इसका जो सपोर्ट जोन है वो यहाँ पर बन सकता है हंड्रेड के अराउंड बन सकता है और यदि ये स्टॉक यहाँ पर टिक नहीं पाया नाइन्टी से लेके हंड्रेड के बीच में एक इसका बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है यदि ये स्टॉक इस लेवल के बीच में नहीं टिक पाया तो फिर इस स्टॉक में बड़ी गिरावट हो सकती है क्योंकि इसका जो लोअर सपोर्ट लेवल है वो सेवनटी के अराउंड ही है यहाँ पे देखो ये इसका मोटा मोटा जो लास्ट वन ईयर का पैटर्न है वो यहां पर अवेलेबल है और सिक्स मंथ का पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल है पहले देखो ये स्टॉक जैसे ही सौ को क्रॉस किया इसमें बहुत ही बड़ी तेजी देखने को मिली हंड्रेड एंड ट्वेंटी के लेवल भी इस स्टॉक में देखने को मिल गए थे लेकिन अब गिरावट हो रही है तो पहले ये जो स्टॉक है आप देख सकते हो हंड्रेड के अराउंड सपोर्ट बना सकता है लेकिन उससे नीचे आप देख सकते हो 90 के अराउंड ही इसका सपोर्ट है तो इसलिए आप इस लेवल पे जरूर फोकस रखें 90 का लेवल इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है क्योंकि आने वाले टाइम में यदि बड़ी गिरावट होती है तो ये स्टॉक इसी लेवल के अराउंड जो है अगेन सपोर्ट बनाने की कोशिश कर सकता है हंड्रेड से लेकर नाइन्टी के बीच में सपोर्ट बनाता दिखाई दे सकता है तो ये एक एक्सपेक्टेशन है दोस्तों कोई फिक्स नहीं होता है यहाँ पर क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी इसकी सही है पीई मल्टीपल्स e. बहुत ही बढ़िया है फाइव टू एटी है पी मल्टीपल्स इसलिए बड़ी

और पहले इस कंपनी ने क्लैरिफाई भी किया था कि कंपनी का प्राइस मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि दोस्तों एक टाइम पे ये स्टॉक 70 से भी नीचे था 65 तक भी चला गया था तो इस स्टॉक में बहुत ही शॉर्ट पीरियड में नियरली डबल रिटर्न देखने को मिले हुए हैं तो इसलिए अब इस स्टॉक में वॉलेटेलिटी के चांसेज ज्यादा हैं आज इसकी मार्केट डेप्थ देखो नाइनटीन के राउंड बाई की क्वांटिटी है सेल की क्वांटिटी हैवी है फोर्टी थाउजेंड के राउंड जो है वो सेल की क्वान्टिटी है तो मतलब मार्केट सेंटमेंट्स ओवरऑल अब नेगेटिव दिखाई दे रही हैं क्योंकि मार्केट में भी वॉलेटेलिटी है हाँ यदि डिलीवरी देखो तो सिक्सटी फोर परसेंट की अकमुलेशन भी यहाँ पे देखने को मिली हुई है तो आप देख सकते हो इसमें माल भी अच्छा उठाया जा रहा है अकामेशन भी अच्छी हो रही है तो टेक्निकल इंडिकेशन इतनी ज़्यादा वॉलीटेलिटी नहीं शो कर रहे हैं हाँ शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बुकिंग है जिन लोगों में पियर है पैनिक है वो जरूर इस स्टॉक में माल बेचेंगे तो यदि गिरावट होती है तो आप देख सकते हो जो हमने आपको सपोर्ट बताए हैं उस लेवल पे जरूर जो है आप फोकस करें जो इसका पहला सपोर्ट है वो 90 के अराउंड बनता दिखाई दे सकता है 90 लोअर सपोर्ट है 90 से लेके 100 के बीच में कहीं भी सपोर्ट बन सकता है और दूसरा इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो हम आपको बता रहे हैं वो 70 के अराउंड ही बनता दिखाई दे सकता है यदि वो नाइन्टी से लेके 100 का लेवल नहीं टूटा इसके अराउंड इसने सपोर्ट बना लिया रिवर्सल शो कर लिया तो एक अच्छी इंडिकेशन है इससे ऊपर ट्रेड करेगा तो पॉजिटिव इंडिकेशन है लेकिन इससे नीचे जाएगा तो सेवेंटी के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं सो थैंक्स अगेन हम आपको यही कहेंगे क्वार्टरली अर्निंग का डाटा देखने के बाद ही कोई पोजीशन बनाएं अभी थोड़ा वेट कर लो क्वार्टरली नंबर जो है वो वेट कर लो क्योंकि पहले ही ये जो स्टॉक है बहुत ही तेज़ी से भाग चुका है लास्ट थ्री इयर्स में भी इस स्टॉक ने शानदार रिटर्न्स बना के अपने निवेशकों को दिए हुए हैं ये एक मल्टी स्टॉक है यहाँ पे देख सकते हो दिस स्टॉक हैज़ रैलीड ट्वेल्व हंड्रेड इन द लास्ट थ्री ईयर्स तीन सालों में ये देखो कितनी शानदार रिटर्न जो है बना के दे चुका है इसकी जो प्राइस थी फिफ्टींथ मई टू को अब जब कोरोना आया था कोरोना के बाद थोड़ी मार्केट में भी डाउन ट्रेंड आया था तो इसकी जो प्राइस थी दैट वॉज नियरली रूपीज तो आज आप देख सकते हो ये शो स्टॉक है कहाँ तक चला गया है इसने अपने हंड्रेड ट्वेंटी वन का हाई भी लेवल टच किया है तो एक लाख जो उस टाइम किसी ने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया होता उसकी जो करंट वैल्यू है थर्टीन लैख हो गई होती यदि आपने टेन लैख लगा लिए होते इस स्टॉक में तो उसकी जो वैल्यू है वो करोड़ों में हो गई होती तो ऐसे ही होता है दोस्तों इसका टेक्निकल्स देखें रेलिटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आर एस आई ऑफ द स्टॉक स्टैंड एज सेवेंटी फाइव सिग्नलिंग इट इज स्ट्रॉन्गली ओवरबॉट तो ये क्लियरली जैसे हमने पहले भी बताया है स्टॉक बहुत ही तेजी से भागा है अब ओवरबॉट जोन में चला गया है वॉलेटलिटी आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बीटा देख लो वन पॉइंट टू का है इट इज़ इंडिकेटिंग हाईली वॉलेटलिटी इन ए जियर अभी भी ये स्टॉक जो है फाइव डे ट्वेंटी डे फिफ्टी डे हंड्रेड डे टू हंड्रेड डे मूविंग एवरेज से ऊपर है तो टेक्निकली ये स्टॉक जो है अब थोड़ा वीक दिख रहा है स्टॉक मार्केट में भी वीकनेस है तो इस स्टॉक में भी वीकनेस रह सकती है सो so इसलिए जो हमने आपको लेवल्स बताए हैं उन पर जरूर फोकस करें क्योंकि पाँच दिन के लेवल्स देखें तो अब ये जो स्टॉक है बीरश फीड में चला गया है अपने पाँच दिन की एवरेज से नीचे ही चल गया है आज बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है ये स्टॉक अब लास्ट फाइव डेज में एट से भी ज़्यादा गिर चुका है थैंक्स अगेन मिलेंगे दई वीडियो के साथ अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें थैंक्स के